सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। जो नहीं मिला उसके लिए रोते रहेंगे तो जो मिला है उसे खोते रहेंगे। बार बार हार कर भी जिसके मन में एक ही आवाज आए, एक कोशिश और, वही होता है असली विजेता। अहंकार मनुष्य की प्रतिभा और कुशलता को उसी प्रकार से नष्ट करता है जैसे दीमक किसी लकड़ी को। आज का पंचांग 12 मई 2023 दिन शुक्रवार, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि सुबह 9:06 तक रहेगी। इसके उपरांत अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। श्रवण नामक नक्षत्र दोपहर 1:03 तक रहेगी। इसके उपरांत धनिष्ठा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 10:36 से 11:35 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:49 से 12:42 तक रहेगा। आज चंद्रमा मकर राशि पर रात्रि 12:18 तक रहेगी। इसके उपरांत कुंभ राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मेष राशि पर रहेंगे। वृषभ राशि 12 मई 2023 दिन शुक्रवार, नए रास्ते पर चलते हुए अपने साहस पर भरोसा करें। बच्चों या दादा दादी को आपकी देखभाल की जरूरत पड़ सकती है। दूसरों के साथ अपनी रचनात्मकता शेयर करें और खाली समय या रोमांस का आनंद लें। जुए या जोखिम से बचें, अपनी समझदारी पर विश्वास करें और आप संतुलित व संतुष्ट महसूस करेंगे। आज कोई ऐसा खबर मिलने की संभावना है जो आपको उत्साहित कर देगी। अविश्वसनीय और रहस्य ऊर्जा की तरह है, बिना किसी कारण के डरा सकते हैं, किंतु इससे घबराने की जरूरत नहीं है। भ्रमण का योग बन रहा है। जो व्यक्ति अपनी जिंदगी में बार बार असफल हुआ हो वो ही सफल होता है। परिस्थितियां आपके पक्ष में हैं, लेकिन दूसरों की बात मानने से पहले एक बार खुद की इच्छा पर जरूर विचार कर लें। फायदा हो सकता है, दोस्त की मदद से निजी काम पूरे हो सकते हैं। काम को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करनी होगी। अभी सही गलत का फैसला करना आपके लिए संभव नहीं है। अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते रहें। जिन बातों पर आपका नियंत्रण है वह बातें सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ सकती है। करियर संबंधित नाराजगी जल्दी दूर होगी। यदि रिलेशनशिप की वजह से व्यक्तिगत जीवन में तनाव बन रहा है तो शांति से काम लें। सावधानियां, किसी रिश्तेदार के साथ मनमुटाव हो सकता है, इसका असर अपने परिवार और बिजनेस पर न होने दें। निवेश की योजना बना रहे हैं तो इस पर फिर से विचार करने की जरूरत है या आज से इस पर काम न करें। बात करते हैं लव लाइफ की। रोमांस और अंतरंगता इस समय आपको उत्साहित कर सकते हैं। इसका आनंद लेने के लिए आपको भी प्रयास करने चाहिए। जुआ और अन्य बुराइयां आपको आर्थिक हानि पहुंचा सकते हैं, इसीलिए बुद्धिमता से काम लें। रहस्यों और अनिश्चितताओं से ना डरें। अपने प्रेम में जीवन में नए आत्मविश्वास के लिए इनका सामना करें। दोनों के बीच की गलतफहमियों को दूर करके आप जीवन में नए रंगों को भर सकते हैं। कोई मनपसंद उपहार मिलने की भी संभावना है। बात करते हैं करियर की। यह समय कल्पना से हकीकत में आने और मेहनत करने का है। अगर आप राजनीति में जाना चाहते हैं तो इस खेल को पहले अच्छे से समझ लें। नए अवसरों के लिए अपनी जीवन शैली और आदतों में थोड़ा सा बदलाव करें व जुआ लॉटरी आदि से बचें। आपके ग्रह बता रहे हैं कि आज आपके भाग्य में किसी यात्रा का योग है। रोजाना की बोरियत से छुटकारा पाने के लिए आपको कुछ खास प्रयास करने पड़ेंगे। आप कुछ नया करना चाहते हैं जो आपके लिए बेहद रोमांचक भी होगा। कई बार सपने ना देखना या विश्वास को खो देना कार्य के उत्साह को कम कर देता है। बिजनेस में कोई सरकारी काम रुका हुआ है तो किसी अनुभवी से सलाह करें, थोड़े समय में आपका काम हो जाएगा। बात करते हैं सेहत की। अपने विचारों को पॉजिटिव रखें। गैस्ट्रिक परेशानी बढ़ाने वाली चीजें ना खाएं। बदहजमी भी हो सकती है। छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखेंगे तो आप सेहतमंद रहेंगे। गैस की भी तकलीफ हो सकती है, ध्यान रखें। आज का उपाय, आज अब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा करें शुभ रहेगा। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ
आगे बढ़ती रहीं। आपका दिन शुभ हो।